जनपद संभल के भेजोई में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जयसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्र अधिकारी चंदोसी गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना भेजोई नरेंद्र त्यागी ने मैं हमरा पुलिस टीम के साथ एक फर्जी भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनकर ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त राहुल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजोई के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना भेजोई पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। हम आपको बताते चले कि संभल में लोगों से ठगी करने वाला भाजपा का फर्जी प्रदेश महामंत्री गिरफ्तार। भाजपा का प्रदेश महामंत्री बताकर लोगों से ठगी करने का आरोपी नेतागिरी का रूप दिखाकर आरोपी का पैसे ऐंठने का लड़की के अपहरण मामले में पुलिस पर बना रहा था दबाव। बदायूं जनपद का रहने वाला है आरोपी। शक होने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज थाना भेजोई की पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल कुमार सिंह है, यह इस्लाम नगर जिला बदायूं का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा लगातार आम नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री होने का दावा करते हुए ठगी करने की बात सामने आई है। इसके फ़ोन की जांच करने पर भी यह प्राप्त हुआ कि इसके द्वारा अनेक व्यक्तियों से उनका काम कराने के एवज में पैसे ऐंठे गए तथा इस तरह की अन्य घटनाएं इसके द्वारा कारित की गई हैं। इसके विरुद्ध धारा 384, 419, 420 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय इसको भेजा जा रहा है। धन्यवाद।